नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एमएसएमई कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं मैं बिजनेस गुरु। दोस्तों, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है कि 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा एमएसएमईज के लिए, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी बैंक गारंटी नहीं मांगेगा, तो उसी बीच में काफ़ी सारी क्वेरीज आई मेरे पास कि जिनके उद्योग आधार, जिसको हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, अगर वो किसी का खो गया है, यानी कि उसके पास किसी की कोई कॉपी भी नहीं है, तो कैसे पता करें कि उसके पुराना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या था, उसकी कॉपी किस तरीके से निकाले, या उन लोगों के लिए भी काम का हो सकता है कि वो जानना चाहें कि उनके आधार कार्ड से कितने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक आई बटन में है, वहाँ जाकर इस वीडियो की हेल्प लेके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन किसी चीज़ को एडिट करना है, यानी कि किसी प्रकार की आपको बजट उसमें ऊपर नीचे करना है, या आपको एड्रेस बदलना है, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, या आपको मैन पावर ऊपर या नीचे करनी है, तो वो भी आप उस वीडियो की सहायता से कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस आई बटन में दे दूंगा, वहां जाके आप कर सकते हैं। तो आज का इस वीडियो डेडिकेटेड हम काम करेंगे जिन लोगों का उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं वो खो गया है। चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप की तरफ और वहां जाके हम समझते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, गूगल में UAM टाइप करेंगे। इस वेबसाइट का मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ जाकर भी आप काम में ले सकते हैं उसके। तो गूगल पे जाकर टाइप किया आपने UAM, वहाँ UAM में टाइप करने के बाद आपको जो पहला लिंक खुल के आता है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, यहाँ जाके क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए, एक नया उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं, जहाँ पर एक में आपको अपना आधार नंबर डालना है, दूसरे में आपको नाम डालना है। नाम वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में डला हुआ है, गलत तो गलत, सही तो सही, जो भी डला हुआ बस वही डेटाबेस मान के हम चलते हैं, वही आपको डालना है। जैसे ही आप उस नाम को डालते हैं, नीचे आपको वैलिडेट और OTP का ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद पॉपअप विंडो खुल के आया। इस पॉपअप विंडो में देखेंगे कि फ़ोन नंबर दे रखा है, जिसके पीछे के सिर्फ 4 डिजिट दे रखे हैं। देखिए, अगर आपने कोई फ़ोन नंबर दे रखा था आधार कार्ड बनाते समय, तो आपके उस नंबर पे OTP आ जाएगा। अगर आपने जो आधार नंबर के समय पर जो फ़ोन नंबर दिया था, वो वर्तमान में आप वो फ़ोन नंबर काम में नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर, यानी कि किसी और दूसरे आप ID कार्ड के साथ में जाके उसको वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि बिना OTP के आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर देखिए, एक फ्रेश उद्योग आधार MSME रजिस्ट्रेशन का एक पूरा एक फॉर्म खुल के आ चुका है आपके सामने। इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमने इसको बॉक्स में बंद किया है, इसे उद्योग आधार को बनाने जा रहे थे, उसमें ऑलरेडी 3 उद्योग आधार यानी MSME रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। सरकार ने अभी तक मान्यता दे रखी है कि एक आधार कार्ड से आप लगभग 5 उद्योगों को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी आप देखिए, इसमें आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि 3 उद्योग ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो इनमें से जो उद्योग आपका है, जो आपको डिटेल चाहिए, वहाँ जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए व्यू में जाके आपको एक्नॉलेजमेंट और अपना जो उद्योग आधार उसकी कॉपियाँ बड़ी आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF में फिर से एक नया पॉपअप विंडो खुल के आएगा, उसके अंदर आपके जो उद्योग आधार पहले से बना हुआ था उसकी कॉपी आ चुकी है। दोस्तों, इसको आप कॉपी करके दोबारा से काम में ले सकते हैं, जहाँ आप लगाना चाहते हैं, जिस फाइल में लगाना चाहते हैं, जिस ऑफिस में आप देना चाहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जब हमेशा आप भविष्य में कभी भी अटकते हैं, तो इस प्रक्रिया से आप दोबारा से अपने उद्योग आधार का कॉपी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।